ये सोमेश्वर मंदिर इनका जीर्णोद्धार समारंभ है और इसके लिए हम यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे मंदिर भी है, बाजू में क्रॉस भी है, तो किस तरह से यहाँ के लोग एक एकता का प्रतीक हैं ये आपने देखा, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक सद्भावना और एकता ये यहाँ पर है और ये हमेशा इसी तरह से रहे और लोग एक जुट होकर रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत अच्छा। सर कल कर्म का काम हुआ, आज धर्म का काम है। कल आपने बहुत बड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था वहाँ पर जो है, तो उसकी सक्सेस के बाद आज यहाँ पर धर्म के काम के लिए आप पहुँचे और आपके चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही, इसके पीछे का राज क्या है? मानव सेवा, और जैसे आज आपने देखा ये एक धार्मिक काम के लिए, तो मुझे लगता है कि हर धर्म ये सिखाता है कि मानवता ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब भी आपको हर एक धर्म की अगर आप होली बुक्स या होली किताबें पढ़ें तो हमें यही सीखने के मिलता है कि मानवता ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो कल अपने मानवता का धर्म देखा, आज मेरा धार्मिक धर्म देखा, और लगता है कि ये भगवान की देन है जो मुझे इतनी शक्ति देते हैं कि लोगों के बीच में रहकर काम करने की, तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद ऐसे ही रहे। सोमेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर यहाँ पर स्थापन किया है, सबको बधाई और शिव जी की कृपा से सबको सुख शांति समृद्धि मिले, ये भगवान से प्रार्थना है। सब साथ साथ अच्छे से रहे, भगवान की कृपा से बनी रहे, भाई यही प्रार्थना है भगवान से। इनका बाद में सोमेश्वर मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, और उद्घाटन दो हस्ती के हाथों से हो रहा है, एक तो है हमारे अजय कुल सर जो ये इस एरिया में काफ़ी नामचीन है अपने काम से और नाम से, और उसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पिंपले सर, ये भी सामाजिक काम में हिस्सा लेके, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके हर एक को मदद करते हैं। आज ये सोमेश्वर मंदिर बनाने के टाइम में काफ़ी कठिनाई आई थी, उस टाइम मंदिर बनने में इतनी कठिनाई थी, तो हमारे पीछे खड़े रह गए थे प्रशांत काशी सर, जिन्होंने कहा कि नहीं अपन ये मंदिर बनाएंगे, कुछ भी हो लेकिन हम मंदिर बना के रखेंगे। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमारे वर्षों गांव के काफ़ी लोगों ने हमको सहायता की, मदद की, किसी ने ईंट दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने रेती दी, किसी ने खड़ी दी, बहुत सारा चीज़ें लाके उन्होंने दिया। हमने पैसा नहीं मांगा, पर हमें बोला कि हमको आप आपकी चीज़ दीजिए, उस चीज़ से हमने ये मंदिर बनाया। उसके बाद का कलश जो चढ़ा है ये अजय सर ने चढ़ाया, और उसका श्रेय अजय सर और पिंपले साहब को जाता है कि उन्होंने लास्ट मंदिर को लास्ट तक लाया, और वो लास्ट तक काम करने का मैं कहता हूँ कि उसके पीछे एक रावत जी है और हमारे पिंटो सिंह है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उसके साथ में जुड़े हुए हैं इनके यहाँ के अध्यक्ष है तामणकर और हरीश है, ये लोग ने बहुत हेल्प की है, बेबीताई पाटिल है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनके साथ जुड़े हैं, उसके वजह से आज ये यहाँ का ये मंदिर का हमने अच्छी तरह उठा। मैं क्या बोलूँगा अभी, इनका भी सब तो आकर रहने वाला हूँ, इनके सब दोस्त है, हमारा सब मंडल है, सब लड़के लोग है, मित्र मंडल जितने भी मेरे दोस्त तैयार है, जिन्होंने जो हेल्प किया, पूरे एरिया ने जो हेल्प किया ये मंदिर बनाने के लिए, उसके लिए मैं तो मतलब इतनी खुशी मुझे है आज की, मैं सच्चे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। परब साहब है, अजय कौल साहब थे, पिंपले साहब है, इन सब ने हेल्प की हुई है इस काम में, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मंदिर खड़ा करने के लिए हमारी हेल्प की, सच्चे दिल से मेरे ग्रुप के तरफ से, मेरे एरिया की तरफ से इनको धन्यवाद करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।